भाई देखो, हॉल के चार बेडशीट ले लो, बेडरूम के चार बेडशीट, शाम में मिलो मेरे को, अब जरा निकाह का है आजकल में, होना पड़ता पूरे चीज। हाँ जबरदस्त शोलापुर बेडशीट लाके देता हूँ भाई तुमको, बेहतरीन लाता हूँ। ओके जाते मिलेंगे। हाँ चलो, क्या हुआ रे, ऐसा कहीं हिम्मत खा रहा? 50 बाता ने होना मेरे को, अब मेरे पैसे मेरे को ना, नहीं तो यहाँ खबर बना के गाड़ डाल दो। ओह नो, अरे तेरे को कब बोला था रे पहलान के पैसे दियो, बल्कि अब तक नहीं दिया। कौन है पहलान? सुनता नहीं। अरे पहलान एक मिनट दो, अपना बच्चा है वो छोड़ दो। अरे पहलान, तुम्हारी शादी की दरिया फिर रही है? अरे भाई यासिर मिला था तुम्हारी फोटो लेके, अपना दोस्ती से पूछा मेरे से, मैं बोल दिया हूँ पहलवान एक नंबर आदमी है, खाली नाम पहलवान है मगर दिल का बहुत जबरदस्त आदमी है, कोई कभी भी किसको भी जरूरत पड़ी ऐसा ठहर जाता आगे, मददगार आदमी है, बेहतरीन आदमी है बोल के बोल दिया। मेरे हिसाब से एक दो दिन में मुंह मिठा होके ओके हो जाने वाला है, उसके चाचा से भी बात कर लिया मैं, दोस्ती से अपना। अब वही मैं बोला था इसको उठाए तो जो पैसे है इंशाल्लाह, टेंशन नको लो, पर अपना बच्चा है जरा, उसके बाबा की भी तबीयत खराब हो गई, नहीं तो देता था पहले उन्होंने। हाँ अच्छा। मसला नहीं है, अब क्या बोल रहा हूँ तेरे को, जान दो सहूलत के हिसाब से दे। शुक्रिया पहला ना, भूलो ना कोई शादी में बुलाना। अजय अम्मी, अब क्या शुभ होगा ना समीरा का, जरा मेरे वास्ते भी देखना था एक बच्ची। आई तू क्या है रे, इसकी एक शादी मन्नत है मुरादों से, और ये हो जान दे उसकी शादी, इसके बाद तेरा ही नंबर है, ऐसा कहीं कुतावला पड़े हुआ है। और बेटा काम पे जा तू, जिम्मेदारी कर, तेरी भी अच्छी शादी करेंगे। अच्छे से अच्छी करेंगे। हाँ फिर एक बच्ची गई तो मियाँ दूसरी बच्ची आती। अरे अब्बा जिम्मेदारी बोले तो मैं छोटा मोटा सोच के नहीं रखे हुआ हूँ, मैं तो बहुत बड़ा बिजनेस करता हूँ, कईयो लोग मेरे हाथ के नीचे काम करना। भैया कब से की सुन लेते हुए आ रहे हम लोग ये बात। और बेटा बड़ा बोले तो तू पहली सीढ़ी चढ़ेगा तो आगे जाएगा ना बेटा, और ये भी कारखाना तेरा ही छे, तेरे हाथ के नीचे बच्चे नहीं है बेटा, तू पहले ये जिम्मेदारी संभाल, तू खुद बा खुद बड़ा आदमी बनेगा। हाय वो तो है भैया, टेंशन कई को ले रहे जी तुम, एक बार तुम काम संभाल लिए ना, देखो फिर बच्चियों की लाइन लगती है ऐसा। हाँ क्या कमी है मेरे भाई में वैसे। हाँ फिर वैसे अगर आप बोले तो मैं नूरजहां से बात करती हूँ। अरे नूरजहां का नाम रखो ले, नूरजहां के चक्कर में लड्डू और इनो दोनों मिलके पूरा जहां फिरा दिया मेरे को। जी अम्मी मैं मेहंदी नहीं दला ली जी। आई नको क्या मां, मेहंदी जरूरी नहीं है तेरे को, उता डाली थी वो शादी में कैसी हड़बंदी आई, नहीं तो ने रहन दे, बगैर मेहंदी के निकाह हो जान दे तेरा पहले। आई अम्मी मेरा निकाह है, मेहंदी नहीं है तो कैसा दिखता जी, दूल्हा नहीं दिखती हूँ मैं। कैसा भी नहीं दिखता, अच्छा दिखता, बाद में डाल लेना जुमागियों तक। हाजी साहब को फोन करके बोल दिया मैं आ जाता हूँ, बोले देखो बोल दिया ना। हाँ बोल डाला मैं, जल्दी बात करके रख ले, और देखो जी जो भी है खर्चा ज्यादा नहीं करने का है, चाय पानी जैसा भी हुआ कर देने का है अपने को। ओह नो, अरे घर में शादी है, बिरयानी मटन चिकन कुछ भी नहीं। बेटा पहले अपन मुसीबतों से गुजर रहे, तेरे को नहीं मालूम, तुम बोले जैसा चाय पानी पे कर देंगे अपन। आई परसों इतना खर्चा हुआ, छोटा बच्चा है तेरे को नहीं मालूम। अब हुआ बोले तो भैया जान दो ना जी, वैसे भी घर में इस निकाह हो रहा, क्या जरूरत है, देखेंगे बाद में, वैसे भी लड्डू वलीमा कर लेते ना जब आपकी ख्वाहिश पूरी कर लूं। वही कर रहा हूं, वलीमा तो है कैसा भी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है चलो मैं जाता हूँ, सो जाता हूँ मैं भी जाके। हाँ राधुरी में चलो सो जाओ। हाँ चलो सुबह काम आ रहे थे, फिर दूसरे जल्दी जल्दी सब पूरे कर लेंगे काम। अरे जाफर, अरे मियाँ जाफर। हाँ आ रहा। अरे मियाँ जुम्मे की नमाज तेरे को मालूम है, अजा होते मस्जिद में चले आना, खुतबे से पहले मस्जिद में रहना, मियाँ ने नमाज नहीं होती। हाँ जी नहीं कर रहा था, देखो इससे नहीं कर रहा था, कैसा दिख रहा कुर्ता, अच्छा है नहीं? जबरदस्त दिख रहा। और सुन नमाज के बाद सीधा खाजी करने चलिया, समझाना, और नमाज पढ़ के आने के बाद फिर उलना भी आते होंगे, फिर निकाह का दिन है, तू कहीं को लेट कर रहा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा मियाँ। अरे अब आ गया ना जी, अब क्या लेट कर रहा, तुम इस बात करके टाइम वेस्ट कर रहे, चलो 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 चल फिर, खुतबा खत्म हो जाता, चलो जल्दी चलो, तुम इस बात करके मसलती रहते मेरे को बोलते। समीरा अम्मी क्या कर रही थी बच्ची? क्या अम्मी क्या नमाज पढ़ ली? हाँ मैं पढ़ के रेडी हो रही थी। बेटे जल्दी तैयार हो जाओ, अब्बा भैया अभी नमाज को गए, अब उन लोग आते, खाजी साहब भी आ जाते, दूल्हे वाले भी आते, फिर अपन का उन लोगों के सामने तैयार होते, जल्दी हो जाओ तैयार, वही बोलने आई मैं। अच्छी बात है, मैं अब तैयार हो जाओ, मैं भी जल्दी हो जाऊँ। चल रहे भाई जल्दी चल, निके को जाने का है, टाइम हो रहा। अरे भैया एक काम करो ना, तुम ना जाके आओ, मैं हमारे बाबा को दवाखाने को लेके जाता हूँ। बाप अपॉइंट ये टाइम पे क्या 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 सीरियस है यार, खुद भी नहीं होता, निकाह कर लेके चल जा। अरे तू नहीं समझ रहा, अपॉइंटमेंट है भाई, मैं आ जाता हूँ तुम ला। चलो एक काम कर भाई, चल सीधा हमारे वहाँ ससुराल, मालूम है ना तेरे को, उधर ही चल जा। आ जाता आ जाता, तेरा इंतजार कर रहा है। चल जल्दी चल बाबा, इंतजार कर रहे शायद। अरे क्या हुआ, आ गए? हाँ जो काम थे मैं कर डाली। और क्या हुआ खाजी साहब से बात हुई? हाँ खाजी साहब मिले,
मस्जिद में से बैग लेके आ रहा हूँ बोले। चलो अच्छा है, हो गया। और बशीर भाई को फोन मारो, कब तक आ रहे पूछो। हाँ अब भी कर रहा हूँ, आ जाना दोनों। अब तक आते ही चुंगे बेटे, जा नमाज नमाज पढ़ के आ रहे होंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अरे बशीर मियाँ कहाँ है भाई? हाँ जी हो, हमला तो रेडी है भाई। ठीक है, निकलो भाई जल्दी आओ। हाजी साहब भी आ रहे बोलो। हाजी साहब भी आ रहे हैं। हाँ उनको अब भी मिल के आ जाफर। अच्छी बात, ठीक है ठीक, अब भी आ रहे हैं बेटा। अच्छी बात, ठीक। चलो अल्लाह का शुक्र है, सब काम हो गए। अब ये निकाह भी हो गया तो सुकून हो जाता। एक काम नहीं हुआ, तुम भूल गए। कौन सा काम है? सोप कर दी मैं, देख दिखा के। याद करो एक काम नहीं करे तुम। अरे क्या तो भी बोल रहा, बोल सीधा। अरे खाला जी, खाला को फोन ही नहीं करे। अरे हाँ अच्छा याद दिला, भूल गई थी। मगर अब उन खाला दरगाह में है ना, अब अपना तो गिला हट गया। अपन फोन करके बोल दिया मैं निकाह है, बोल दी उनको। अब जब आके पूछ लेते रहे उन, रहने दे बस। जैसा निकाह खानी होती ना, पहली फुर्सत में खाला को फोन कर दो तुम। कहीं को बोले तो कोई भी बात तुम्हारे पेट में नहीं दिखती ना जी। क्या बोला? कुछ भी नहीं, अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, जाके आ रहा हूँ। इसकी जबान बहुत बड़ी हो जा रही। अरे तुम्हारे पेट गया ना जी उन्हें। नौशा यहाँ साइन करिए। अच्छी बात, और क्या कहते बस। वाले साहब आप यहाँ साइन करिए। बुलंद के वाले साहब आप यहाँ साइन करिए। जरा दुल्हन के भी दस्तखत डाल लीजिए जी। अच्छी बात, चल बेटा। बेटा मैं तेरा निकाह लड्डू से तय किया हूँ, तेरे को कबूल है बेटे? कबूल है अब्बा। ले बेटा साइन कर दे। ठीक है बेटा, अल्लाह अच्छा रहे। एलीज हाजी साहब कबूल है। मेरी वकालत से इन दोनों की गवाही से जनाब उमर साहब, आपकी दुख्तर को महरे मुबल्लग 11,051 रुपये सिक्का रायजुल वक्त बाइवज में जनाब लड्डू मियाँ आपके निकाह में दिया। क्या आपको कबूल है? कबूल है। क्या आपको कबूल है? कबूल है। क्या आपको कबूल है? जी कबूल। अल्हम्दुलिल्लाह निकाह में। चलिए दुआ करिए। जाफर साहब जरा एक मिनट, जरा इधर आइए। मुबारक 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 आपको भी। बैठिए बैठिए जी। खाली साहब बोलिए। जाफर साहब मेरा हदिया दीजिए जरा, मैं जल्दी में हूँ, जाना है मेरे को जरा। अच्छी बात है, आप चलिए, मैं फोन पे कर रहा हूँ। ठीक है अम्मी। अरे सलीम जाम यहाँ जरा पानी वानी को देख। और बशीर देख, तेरी और मेरी जिम्मेदारी दोनों की खत्म हो गई। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है, आराम से होगा मेरा। हाँ अब पानी पीजिए, बैठो बैठो। अरे 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 क्या हुआ बशीर? क्या हुआ अब्बा? बशीर अब्बा, बशीर अरे अब्बा, अरे 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 बशीर, बशीर जल्दी जा। अरे क्या हुआ बशीर? क्या हुआ कि क्या नहीं कि कुछ भी मालूम नहीं आ रहा। अरे क्या हुआ जी, कैसे है बशीर भाई? बशीर का इंतकाल हो गया। कैसा करेंगे जी, निकाह तो हो गया ना। देखो फरीन, जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में, अपन क्या कर सकते बोलो। वो तो है जी, समझे ना। अब जो है बच्चा भी टेंशन है, अपन अब बात नहीं कर सकते। एक दो चार दिन जान दो, अपन उसके बाद विदाई करेंगे भाई। हाँ हाँ नहीं बोल सकते ऐसे वक्त। हाँ। बच्चे का बावा है ना जी, वो तकलीफ में है बच्चा। चलो जाएंगे, अपने को भी अब जाना पड़ता। ठीक। क्या हुआ मम्मी, क्या बोले अब्बा, कैसी की थी तबीयत? नहीं बेटे, बशीर अंकल का इंतकाल हो गया। ये क्या मेरी किस्मत में?
खाता भी लिखे गया। लड्डू और उनके खानदान वाले क्या समझेंगे, मेरे खत्म अच्छे नहीं, शादी होते की जैसा हुआ और इन्हें मनु से बोल के नहीं, 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 नहीं मेरी बच्ची ऐसा कुछ भी नहीं रहा था, मनु हंसिया कुछ भी बोल के खत्म नहीं रहा था मेरी बच्ची। नहीं अम्मी आप झूठ बोल रहे, आप खुद खाला से बात करे थे, बोले थे तुम्हारी भाव का खत्म अच्छा नहीं है, इसलिए तुम्हारी टांग टूटी, बोल के खुद की बेटी प्यारा था ऐसा बोल रहे। नहीं मेरी बच्ची तू सबर कर, मौत जिंदगी अल्लाह के हाथ रहती मेरी बच्ची, अपन पैदा होने से पहले अपनी मौत लिखे जाती, समझी ना। मैं लड्डू को समझाती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, हाँ तू सब चेंज कर ले, अपने को जाने का रहता। लड्डू को उनके अब्बा के सिवा कोई भी नहीं है, लड्डू का कैसा होता कि आ रहा हूँ। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, बैठिए बैठिए। खैरियत से है? खैरियत अल्लाह का एहसान है। और बेटा कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ अल्लाह का करम है। बेटे हिम्मत से काम करो, सुने ना, आप हमारे कुछ माँ बाप समझो, क्योंकि बशीर मेरे बचपने का दोस्त है, मेरे को भी बहुत गम है बेटा। हाथ धो लो बेटा, मैं खाना नहीं। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं खाना वाना खा के करके इधर आया। थोड़ा खा लो ना जी। नहीं नहीं, फूफू बनाए थे ना। अच्छा जी हाँ। नहीं चले गए ना उनके घर को, मैं इधर आ गया। चले गए ना जी? हाँ चले गए। मैं क्या बोल रही थी बेटे? जी बोलिए। अगर आप बुरा नहीं माने तो? अरे कैसी बात करें, आप हमारे अम्मी के जैसे आपकी बात का बुरा मानते, बोलिए। वही बोल रही थी बेटे मैं, अब घर में भी तुम्हारे कोई बड़े छोटे नहीं है ना, अम्मी तो भी अब्बा तो भी, कोई भाई बहन तो भी रहते, तो एक बात थी, अब बच्ची हमारी कहीं भी हम लोग अकेली नहीं छोड़े उसको आज तक लगा, तो वो बात से बोल रही थी, आप लोग हमारे रह गए तो अच्छा था। मतलब हम लोग यहाँ रह जाना? जी हाँ, बच्ची और तुम यहीं से रह जाओ बोल रही थी बेटे मैं। मतलब घर दामाद बन के रह जाओ बोले शायद आप मेरे को? आप ऐसा न को समझो, जबरदस्ती नहीं, अगर आप आपकी मर्जी से अगर चाह रहे तो, नहीं तो कुछ भी नहीं। अरे नहीं नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों ही छे ना रह जाते, ऐसा कुछ मसले की बात नहीं है। अब जाफर नहीं है, तुम भी मेरे बेटे के ऐसा रह सकते हो, अब हम भी बच्ची को कहीं नहीं छोड़े, अब तुम काम पे जाएंगे ना, गए तो बच्ची घर में अकेली रहती, अब हमारा पूरी दिल दिमाग उधर ही रहता, अरे बच्ची अकेली है, बच्ची अकेली है, वो बोल के बोली मैं, देखो अब आप सोचो ऐसा नहीं, जबरदस्ती नहीं है बेटे। बेटा सोच समझ के जवाब दियो, ऐसा कोई जबरदस्ती की बात नहीं है बेटा। अम्मी चाय में बनाऊं क्या? नहीं बेटे तुम बैठो, मैं बना के लेके आती हूं। अम्मी हां, मेरे को नहीं अदरक डालो चाय में। अच्छी बात, चलो बेटा ठीक है, मैं भी निकलता हूं, कारखाने को जाना है। अच्छी बात, चाय पी के जाना। नहीं बेटा मैं वहां रास्ते में पी लेता हूं। अच्छा ठीक है, आप लोग बैठो आराम। अच्छी बात है। अजी इधर एक बात, ओह नो, क्या तो भी हुआ वो नाम, अम्मी बोले तो बुरा मान गए क्या तुम? अरे कैसी बात करे जी, तुम्हारे अम्मी हमारे अम्मी, उसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? देखो लड्डू एक माने को ना, अम्मी साइंस बोले अगर तुम्हारा बुरा लग रहा तो बोल सकते, था कुछ भी नहीं है, अब तुम्हारे घर पे कोई भी नहीं है, अब्बा रहते तो फिर भी अलग बात रहती थी, अब मैं अकेली कैसा रहूं जी, तुम भी काम पे जाते हो ना। अरे तुम्हारी बात बराबर है जी, मगर फिर भी जो है ना, चार जने क्या बोलेंगे, यहाँ आते शादी होते ससुराल में आगे पड़ गया बोल के नहीं बोलते। तुम्हारा जिंदगी चार लोगों के साथ गुजारना है या मेरे साथ गुजारना है? तुम्हारे साथ ही गुजारना है जी, मगर फिर भी लोगों का भी देखना पड़ेगा ना। तुम्हारी खुशी यहाँ रहना बोल के है शायद। मैं आपके ऊपर डिपेंड थी, आप बोले तो जैसा बोले वैसा बोल के, मैं आपसे पूछ रहा हूँ तो आप मेरे कुछ पूछ रहे? अच्छा नहीं दिखता जी, ससुराल में पड़े हुआ है यार, तो इन्होंने चिढ़ाते आते घर दामाद बन गया ये वो जी, ये आप बोल रहे, अब आप अपने सामने से बोलते तो बात अलग रहती थी, अम्मी अब्बा भैया खुद बोले आपको यहाँ रहो बोल के, तो इसमें बुरा क्या है? वैसे भी आप अकेले बोल के बोल रहे, अब्बा का ऐसा इंतकाल हुआ बोल के, नहीं होता तो थोड़ी ना बोलते थे मेरे घर वाले, देखो मर्जी सोचो आप तो। वो भी है, खैर अच्छी बात है, इसमें सोच के देखेंगे कैसा होता, सो जरा मैं, तुम बैठो मैं वॉशरूम जाके आता हूँ। अच्छा ठीक है। नंबर, ये किसका नंबर है?